मित्रों, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देश और दुनिया के सबसे पुराने विवाद का पटाक्षेप जिस शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से आज संपन्न किया है, मैं इसके लिए श्री राम जन्मभूमि से संबंधित फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं, न्यायपालिका का अभिनंदन करता हूं। शांति, सौहार्द और एकता बनाए रखने के लिए प्रदेश और देश के उन सभी संस्थाओं, संगठनों और उन सभी नागरिकों को जिन्होंने फैसले का स्वागत किया है, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। हम लोगों ने पहले भी इस बात को कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय जो भी फैसला देगा वह सभी पक्षों को स्वीकार्य होना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि सभी लोगों ने इसे स्वीकारा है, इसका स्वागत किया है। इस फैसले ने देश और दुनिया में एक बार फिर से भारत की संवैधानिक व्यवस्था, भारत के लोकतंत्र की मजबूती का बहुत स्पष्ट संकेत दिया है। फैसले के प्रति पूरे देश का और भारत के प्रति प्रेम रखने वाले, भारत के प्रति अलग ही अनुराग रखने वाले उन सभी दुनिया में रहने वाले लोगों ने भी इस पूरे फैसले को मुक्त कंठ से स्वीकारा है, ये भी अभिनंदनीय है। मैं मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा कि फैसले को पूरे पॉजिटिव तरीके से प्रस्तुत करने और नकारात्मकता के लिए हमारे यहां कोई जगह नहीं, इस बात को भी जिस रूप में आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, ये सभी अभिनंदनीय है। निश्चित ही यह फैसला बहुत कुछ संदेश दे रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने, जिसमें भारत की ताकत किसी परिवार, जाति, मत और मजहब से ऊपर 136 करोड़ लोगों की ये ताकत है, और इस ताकत का एहसास हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के माध्यम से देंगे। फैसले के प्रति स्वीकार्यता न केवल फैसले में माननीय उच्चतम न्यायालय के पांचों जजेस ने, पांचों न्यायमूर्तियों ने सर्वसम्मति से जो फैसला दिया और पूरे देश ने इस फैसले को जिस प्रकार से स्वीकारा है, ये एक दूसरे के विश्वास और उन कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संवैधानिक दायरे में रहकर के हम बड़े से बड़े निर्णय ले सकते हैं, इस बात को एक बार फिर से पुष्ट किया है। मैं एक बार पुनः
दुनिया के सबसे बड़े और पुराने विवाद के पटाक्षेप होने, केले सभी जो सर्वसंबंधित पक्ष थे उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के लिए इस फैसले के बहुत मायने थे और उत्तर प्रदेश में इसलिए भी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मैं अयोध्या पहली बार गया तो मुझे स्पष्ट दिखाई देता था अयोध्या की उपेक्षा, और अयोध्या की उपेक्षा मुझे वही दिखी थी जैसे भगवान राम का वनवास जैसे दिखी थी। आज अयोध्या में चहल पहल है, विगत 2.5 वर्ष में दीपोत्सव कार्यक्रम और अयोध्या के विकास के माध्यम से जिन भावनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ था वह अयोध्या एक बार फिर से देश और दुनिया के अंदर अपनी एक नई चमक और नई आभा के साथ भारत और उत्तर प्रदेश के इस नए परसेप्शन को प्रस्तुत करने में सफल होगी। इस पूरे फैसले को जिस रचनात्मक और सकारात्मक भाव के साथ उत्तर प्रदेश वासियों ने, पूरे देश वासियों ने लिया है, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद जी।